फटाफट एक बार रिवाइज करते हो सारी चीजों को, कर लेते हो पोटेंशियल ड्यू टू टॉपिक का नाम ही डाल देते हैं डाइपोल, ठीक है, क्योंकि डाइपोल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करनी है आज, ठीक है। डाइपोल, ठीक है, तो पहला है टॉपिक क्या है इसमें डाइपोल का, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल डाइपोल में पहला टॉपिक है एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का मीनिंग हो गया, ठीक है, ये है आपका डाइपोल, इधर क्या माइनस क्यू चार्ज, इधर क्या प्लस क्यू चार्ज, और एक पॉइंट यहां पर है जहां पर आपको कुल पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से। ये पॉइंट थोड़ा इसकी लाइन में ही है, मतलब इधर है कोई पॉइंट जहां पर आपको कुल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज का नाम ए दे दिया, इस चार्ज का नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है। अच्छा, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2L होती है, अगर आपको याद होगा डाइपोल के अंदर हम 2L लेते दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, और डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना उसकी दूरी क्या है, आर है, क्या है, आर। तो अगर मैं बात करूं तो नाउ पोटेंशियल ड्यू टू, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर इस पूरे डाइपोल के से क्या पोटेंशियल होगा। तो भैया देखिए, इस डाइपोल के पास दो चार्ज है, एक ये चार्ज था, दूसरा चार्ज ये था, इन दोनों की वजह से जो भी पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा उसको क्या करो, ऐड कर दो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू ए, ए बी चार्ज का जो भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल है और ए चार्ज का जो भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, दोनों क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, नाउ पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल वी ए, हम क्या निकाल रहे हैं, वी ए क्या होगा, इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस चार्ज का ये लिख देता हूं मैं, वी ए क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, चार्ज ए एट पॉइंट पी, ए चार्ज का पोटेंशियल पी पॉइंट पर जो है वो क्या है, वी ए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के चार्ज एट ए और दूरी ऑफ ए, ठीक है, फ्रॉम पी, यही तो फॉर्मूला होता है, के क्यू आर, तो के क्यू कौन सा है जो ए पे रखा हुआ है, और दूरी कौन सी लेनी है आपको, ए और पी के बीच की दूरी लेनी है। तो अगर मैं देखूं तो ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, तो आपको पता है ये आर है, उसमें ऐड कर रहे हैं एल, तब जाके आर प्लस एल हो रहा है ना, तो दूरी वाली आपकी एक ही आर प्लस एल क्या आ रही है, के चार्ज ए पे रखा चार्ज क्या नेगेटिव है, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है क्योंकि टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है, इसका अट्रैक्ट करता है, और ये क्या होगा, आर प्लस एल आ गया, तो आपको पोटेंशियल आ गया ए की वजह से माइनस के क्यू आर प्लस एल, ठीक है। एंड वी भी क्या है, पोटेंशियल ऑफ बी, सॉरी वी भी है, पोटेंशियल ऑफ बी एट पी, तो कैसे निकलेगा, वी भी इक्वल्स टू में क्या होगा, के चार्ज एट बी और दूरी ऑफ बी फ्रॉम पी, बी की दूरी पी पॉइंट से कितनी है, बी की दूरी पी पॉइंट से कितनी है, तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर, अगर मैं इसकी दूरी देखूंगा तो आर माइनस एल होगा ना, तो क्यों इतना कम करना पड़ रहा है, ये कितना कम है, आर में इतना कम कर रहे हैं, एल कम कर रहे थे, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका के बी पर रखा चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आर माइनस एल हो गया, ठीक है। देन ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में वी ए वी बी की वैल्यू डाल दी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, वी ए वी बी की वैल्यू क्या रखी है, ये रहा के क्यू आर माइनस एल,
और फिर बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर वीए का पोटेंशियल, वीए का पोटेंशियल क्या रखा है, माइनस के क्यू आर प्लस एल। अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा के क्यू आर माइनस एल माइनस के क्यू आर प्लस एल। उसके बाद हमने क्या किया, के क्यू को कॉमन ले लिए दोनों में, नीचे क्या बचा, आर माइनस एल माइनस आर प्लस एल। इसको आगे सॉल्व किया, ये होगा के क्यू और ये हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या होगा, आर प्लस एल, बीच में आएगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, आर माइनस एल, और इन दोनों की आपस में करेंगे तो क्या होगा, आर माइनस एल और आर प्लस एल का, ये ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, भी आगे किया नहीं है मैंने, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या आएगा, के क्यू बाहर निकाला था, ऊपर क्या है, आर माइनस, अच्छा आर प्लस एल यहाँ पे था, फिर माइनस आर माइनस एल यहाँ पे था, और इधर क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कोस में के क्यू आर प्लस एल आर प्लस एल, इस माइनस की मल्टीप्लाई में भी तो माइनस आर, इस माइनस की मल्टीप्लाई में भी तो क्या हुआ, प्लस एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है भैया। ये कैंसिल हो गया दोनों, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कोस में के क्यू है ना, एल और एल क्या होगा, एल और एल क्या हो जाएगा, टू एल हो जाएगा, ये जाएगा आपका टू एल, और नीचे का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको बता दूं हेयर साइज ऑफ डाइपोल, साइज ऑफ डाइपोल, डाइपोल जो कि क्या होता है, टू एल होता है, वो क्या होता है, टू स्मॉल होता है, तो एल क्या होगा, वेरी स्मॉल, तो एल, देन एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत हद से ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को आप टेंस टू जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में के क्यू इंटू में टू एल। अगर आपको बताओ तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, जिसको पी से लिखते हैं, अपॉन में क्या हुआ, ये आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आप ये पोटेंशियल आ गया डाइपोल पे, डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर, कहाँ आ गया, एक्सियल पॉइंट पर। अगर आपका ये डाइपोल रेखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, और जिसके दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या है, टू एल है, तो आपको इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल की बात की जाएगी तो क्या होगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्या है, इसके सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, ये इस पॉइंट का क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया। मतलब किसी भी यूनिट चार्ज को अगर आप इस पॉइंट पर लाओगे, एक कूलाम चार्ज को लाओगे, तो जो वर्क डन करेगा वो पी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर रहेगा, ठीक है। हाँ केपी, अब ये मतलब कि क्यू इंटू में ट्वेल्व जो होता है ना, क्यू इंटू में ट्वेल्व जो होता है वो होता है डाइपोल मोमेंट, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना, तब मैंने बताया था कि चार्ज इंटू में उनके बीच का जो सेपरेशन होता है उससे एक क्वांटिटी आती है जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अगर क्यू इंटू में ट्वेल्व का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब डाइपोल जो है ज्यादा ताकतवर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो उसके अंदर मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मूवमेंट मतलब टर्न करना। हाँ हाँ कराया था, क्या हुआ, दोबारा रिवीजन कर लेगा तो 10 हो जाएगी। अगला आ रहा है इक्विटोरियल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब है, भाई बोलिए मत प्लीज, ठीक है बोलिए मत, ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज इधर क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ए चार्ज ये है, बी चार्ज ये है, ये सेंटर है इसका, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है एल, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है एल, जो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे उसी को क्या कहते हैं भैया, इक्विटोरियल लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लाइन क्या, इक्विटोरियल लाइन है, इसे कहते हैं इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल
इक्विटोरियल लाइन का। अब इसी लाइन पर किसी एक पॉइंट को ढूंढ लो तो वो क्या बन जाएगा, इक्विटोरियल पॉइंट। क्या बन जाएगा, इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट जो होगा उसे कहेंगे इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो अपने को पता भी है, उस मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, इसकी दूरी क्या है, इसके सेंटर से ओ से आर है, क्या है आर, इस पॉइंट का, पी पॉइंट का और ओ पॉइंट का जो सेपरेशन है वो आर है। ठीक है, तो ये सेपरेशन क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, ये भी क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब दोनों चार्ज, चाहिए ए पे रखा चार्ज हो चाहिए बी पे रखा चार्ज हो, दोनों की दूरी पी पॉइंट से क्या है, और ये ऐसी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो ए और बी से सेम डिस्टेंस पर होगा, चाहे मैं इस पॉइंट की बात कर लूं। तो आपको पता है भैया, ये भी इस तो डिस्टेंस पे, ये भी उतने डिस्टेंस पे, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो इन दोनों चार से इक्वल डिस्टेंस पे होने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वही पॉइंट में देख लो, ये भी वो पॉइंट भी तो इसी लाइन के ऊपर है, तो इस चार से दूरी और इस चार से दूरी एल एल तो आ रहा है, समझ गया। तो मुझे इसी लाइन पर कहीं पोटेंशियल निकालना, मैंने मान लिया पोटेंशियल पॉइंट क्या है, पी है, तो मतलब अपने को इस पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स मीट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू। अच्छा, बी का पोटेंशियल क्या होगा, अगर देखा जाए तो आप वो देखो, बी का पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, के चार्ज एट बी और दूरी ऑफ बी फ्रॉम पी, है ना, प्लस ए का पोटेंशियल क्या होगा, के चार्ज एट बी और दूरी ऑफ ए फ्रॉम पी। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही, चार्ज एट ए और दूरी ऑफ ए फ्रॉम पी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो तो आएगा के चार्ज एट बी कितना भी है, तो आपको बता दूं चार्ज एट बी पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पर रख दो क्यू, और दूरी कितनी है उसकी, ये वाली दूरी जो नहीं है इस चार्ज की, इस पॉइंट से दूरी, वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस के चार्ज एट ए कितना है, तो भैया आपको पता माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज का माइनस की, अंडर रूट दूरी कितनी है उसकी भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम देख रहे हैं दोनों चीजें तो सेम है, ये दोनों चीजें क्या है आपकी, सेम है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगे, नेट पोटेंशियल क्या आएगा। तो इस लाइन पर आप कहीं पर भी देखोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, पोटेंशियल एट दिस लाइन, एट दिस लाइन इज इक्वल्स टू, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट देख लो उस पे इस इन दोनों इस सिस्टम की वजह से आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, जो कि मैंने अगली क्लास में, लास्ट क्लास में नहीं कराया था। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल एट एनी पॉइंट, ये डेरिवेशन कई बार रखी तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, एक डाइपोल लिया, उसकी वजह से हम ना तो एक्सियल पे निकाल रहे हैं ना इक्विटोरियल पे निकाल रहे हैं, हम किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक्सियल और इक्विटोरियल तो, एक्सियल मतलब डाइपोल के लेंथ के अलावा, डाइपोल के कोई पॉइंट होता है उसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट वो होता है जो डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा उसको इक्विटोरियल पॉइंट कहते हैं। यहां पर जो पॉइंट है ना, तो एक्सियल पे होगा ना इक्विटोरियल पे, कहीं पर भी हो सकता है, तो उसके लिए अप्लाई करना अपने को। ठीक है, यह डाइपोल, यहां पर चार्ज रखा है माइनस और यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है, यहां से इसके सेंटर पे ये ओ है ना, यहां से आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, अपने को यहां पे निकालना पोटेंशियल। अच्छा, ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा, क्या बन रहा है, थीटा किसके बीच का एंगल है, एक्चुअल में ये एंगल होता है डाइपोल मोमेंट और रेडियस के बीच का, जहां पर भी मैंने अभी देखो कैसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, आपको याद है, नहीं याद है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, डाइपोल मोमेंट उधर गया ऊपर की तरफ। ठीक है, और रेडियस क्या, ये रही, तो रेडियस और डाइपोल मोमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल बनता है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो यहां पर लिख देता हूं, मैं मेंशन कर देता हूं थीटा क्या है,
एंगल इन बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड रेडियस वेक्टर, क्योंकि तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस वेक्टर ऐसे आ रहा है, डाइपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है, उनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इस सेंटर से, सेंटर से, इस सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी हो क्या आर ले रखी है, आर क्या है, आर सेपरेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ, पी पॉइंट का ओ से जो सेपरेशन है वो स्मॉल आ रहा है और ये गिवन है, केवल यही गिवन है। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें कई सारे एजम्पशन लगेंगे तो ध्यान रखना। तो ये इस चार्ज का इस पॉइंट से दूरी है वो कितनी है, ये ले लिया, और इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी कितनी सिलेक्ट है क्या, इस चार्ज का इस पॉइंट से दूरी क्या, ये ले ली, दोनों चार्ज की दूरी पता लगी। तो बात करूं कि ये कितनी दूरी पर है, तो इसको ले लिया मैंने आर वन और इसको ले लिया आर टू, क्या ले लिया, मतलब माइनस क्यू चार्ज उस पी पॉइंट से कितना दूर है, आर वन दूरी पर, और प्लस क्यू चार्ज उस पॉइंट से कितना दूरी पर है, आर टू। तो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो हमें पता भैया पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू ए। अगर मैं बी पॉइंट के पोटेंशियल की बात करूं तो क्या होगा, के चार्ज एट बी दूरी ऑफ बी फ्रॉम पी, के चार्ज एट ए दूरी ऑफ ए फ्रॉम पी, यही हो गया। अच्छा, के चार्ज एट बी कितना भी है तो पॉजिटिव है तो रख दिए प्लस क्यू, और दूरी कितनी है उसकी, तो आर वन है, क्या है, आर वन, ठीक है। अच्छा, बी पे अगर मैं ए चार्ज की बात करूं तो ए चार्ज क्या है, नेगेटिव है, क्या है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चीजों का अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो माइनस वो लगा दिया के क्यू अपॉन में क्या हुआ आर, के क्यू कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, वन बाय में आर वन माइनस वन बाय में आर टू, आर टू हो गया, ठीक है। बेटा मेरी क्लास के बारे में तो ये नहीं पता, शायद बोलता नहीं है कोई मेरी क्लास में, मत बोलिए भाई। तो ये हो गया भैया, आगे बढ़ रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दीपांशु बेटा पढ़ ले, छपरा गिरी करके कुछ नहीं होता, धीरज नाम है दीपांशु नाम है सर, धीरज बेटा धीरज पढ़ ले। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आने वाला बेटा, ध्यान दीजिए, अगर इसको अंदर को सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, आर टू माइनस आर वन अपॉन में आर वन आर टू, यही आएगा नहीं आएगा। अब इसको लिख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख दीजिए, अब ध्यान दीजिए भैया, अब यहां पर कुछ एजम्पशंस लगने वाली हैं, ठीक है, और वो एजम्पशंस आप वही लगाओगे और वही लगा सकता है जो चीजों को सोच सकता है। मैं बोलूंगा यहां पर सबसे पहली बात बोलूंगा कि साइज ऑफ डाइपोल, यहां पर इसके बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूं, क्योंकि ये ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट है, ठीक है। अब जो आगे सेकंड बढ़ेगा वो यहाँ पे लिखेगा रेड कलर से या किसी और कलर से लिख देते, इस कलर से, ठीक है, सेकंड यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो भैया मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, साइज ऑफ डाइपोल एज वी नो, साइज ऑफ डाइपोल जो कि क्या होता है, टू एल होता है, वो क्या होता है, टू स्मॉल होता है, डाइपोल का साइज बहुत छोटा होता, ठीक है। तो देन उसका हाफ साइज क्या होगा, साइज ऑफ डाइपोल क्या होता है, बता दूं आपको, बहुत छोटा होता है, इतना लिख दिया मैंने, टू स्मॉल लिख दिया, ठीक है, अभी बाकी चीजें नहीं लिख रहा। सो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर डाइपोल का साइज छोटा है तो, अगर डाइपोल आपका छोटा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी देखिए भैया, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे डाइपोल इतना बड़ा बना रहा हूँ, खैर मैं बहुत बड़ा बना दिया मैंने डाइपोल, ये डाइपोल भी क्या अभी भी बहुत बड़ा है, डाइपोल मतलब एच सी एल एन एस सी एल के सी एल एम जी सी एल जो भी है, ये दिखते कभी आंखों से नहीं दिखते, मतलब इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये मिलीमीटर माइक्रोमीटर में होते कहीं जाके, इनका मॉलिक्यूल का माइक्रो नैनोमीटर में चले आता है, नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा। अगर मैं इस पॉइंट पे
यहां पर मैं चाहूं कि इसकी वजह से पोटेंशियल निकालू, ध्यान दीजिएगा भैया, तो उस कंडीशन में यहां से लिया गया डिस्टेंस, यहां से लिया गया डिस्टेंस, और तीन लाइन खींच रहा हूं ना मैं, तीन लाइन खींचिए ना, एक तो टॉप से खींचिए यहां से यहां तक है ना, एक बीच से खींचिए यहां से यहां तक खींचिए, और एक यहां से खींचिए यहां तक, ये तीन लाइनें खींचती है ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है? डाइपोल का साइज अगर और छोटा कर देता इतना, और इस पॉइंट पर तीन लाइनें खींचता, तो उन तीनों लाइनों की लंबाई क्या होती? समझे मेरी बात? यानी अगर डाइपोल का साइज छोटा है तो आर वन आर टू और आर थ्री तीनों आपस में क्या होंगे? आर थ्री तो ही नहीं, आर थ्री तो ही नहीं, आर वन आर टू और आर तीनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। चलो एक बात तो ये पता लगी, कोई दिक्कत है? सो आर वन बराबर में आर टू बराबर में आर, पहली अजम्पशन ये होगी कि अगर डाइपोल आपका छोटा है तो आप कह सकते हो कि आर वन आर टू आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे आर के, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और अजम्पशन सुनो, अगर ये डाइपोल छोटा है तो यहां पर अगर पॉइंट है, तो अगर मैं तीन लाइनें खींचता हूं, तीनों लाइनें इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तीनों लाइनें पैरेलल भी है, क्या है ये? समझ गए? ये तीनों लाइनें क्या है? पैरेलल भी है। देखो तीनों लाइनें ऑलमोस्ट, वैसे पैरेलल लाइन कभी पॉइंट पर मिलती नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि पैरेलल लाइन के मैंने डेफिनेशन बता रखी है, पैरेलल लाइन कहां मिलती है? इंफिनिटी पे मिलती है। कहां मिलती है? दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करती है, ये पता है? तो अगर मैं डाइपोल के साइज की कंपैरिजन की बात करूं और इस पॉइंट की दूरी की बात करूं, तो ये डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में इस पॉइंट की दूरी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? क्योंकि डाइपोल मिली नैनोमीटर में होता है उसका साइज, और ये जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर वगैरह में होता है, तो नैनोमीटर और सेंटीमीटर में जो डिफरेंस होता है लगभग इन्फिनिटी का ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस हो गया। उस कंडीशन में अगर ये तीनों लाइन इस पॉइंट पर भी जाती है और जाकर के मिलती है, तो ये तीनों लाइनें क्या मानी जाएंगी? पैरेलल। क्या मानी जाएंगी? क्योंकि ये तीनों लाइनें जो है वो डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में कहां पे जाके मिल रही है? इन्फिनिटी पर। अब जब कुछ लाइनें इन्फिनिटी पर जाके मिलती है तो आपस में क्या होंगे? पैरेलल मान जाते हैं। तो यहां पर ये अजम्पशन आगे चल रही है हमारी, एंड आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर, ये दो अजम्पशन ये ध्यान रखना, और ये अजम्पशन वहीं पर रखनी है जहां पे आपका रिजल्ट जीरो ना हो, ठीक है? ये ध्यान रखना, डाइपोल अगर बहुत छोटा है और पॉइंट उसके कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो एक तो तीनों लाइन एक दूसरे के बराबर दिखने वाली है आपको, तीनों लाइन कौन कौन सी? आर वन आर टू और आर, और तीसरा ये तीनों लाइनें पैरेलल भी दिखने वाली है, आर वन आर टू और आर, समझ गए? क्योंकि जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, डाइपोल का साइज बहुत ना के बराबर है, कंपैरिजन करें तो तीनों लाइनें की दूरी जो है जहां पे जा रही हो इनफाइनाइट है डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में, समझ गया? अभी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमें अभी तक, अब ये अजम्पशन है, बाकी आपको एक्चुअल डायग्राम में क्या दिख रहा है कि कौन सी लाइन ज्यादा लंबी है? आर वन ज्यादा लंबी है या आर टू ज्यादा लंबी है? आर वन ज्यादा लंबी है या आर टू ज्यादा लंबी है? हाँ आर टू ज्यादा लंबी, कितनी लंबी है? तो अच्छा देखिए, दो लाइनों की अगर मैं कह दू एक लाइन ही है, एक लाइन ही है और एक लाइन ही है, ये दोनों स्टार्ट तो एक ही पॉइंट हो रही है, लेकिन ये पहले खत्म होगी, तो मैं कहूंगा कौन सी लाइन लंबी है, नीचे वाली सेकंड लाइन या फर्स्ट लाइन? सेकंड लाइन ज्यादा लंबी, तो इसकी लंबाई का डिफरेंस कैसे निकलेगा? या तो इसकी लंबाई मुझे पता है और इसकी लंबाई पता, दोनों को आपस में माइनस करो, या एक और तरीका अपने पास इन दोनों की लंबाई का डिफरेंस निकालने का, कि इस लाइन से यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, छोटी वाली लाइन से बड़ी लाइन वाली लाइन की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो इतनी लेंथ ने इसको क्या किया? कैंसिल कर दिया। ये क्या है? फालतू की लेंथ। इतना ही क्या है? टू जो है फर्स्ट से लंबी है, इतनी क्या है? टू वाली लाइन फर्स्ट से लंबी है। ध्यान दीजिए, थोड़ा लॉजिकल डेरिवेशन है, अगर आपके लॉजिक क्लियर है, आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, फील कर सकते हो, तभी इस डेरिवेशन कर पाओगे, वरना मेरे पे एक तरीका और है, टुच्चा तरीका, गरीब बच्चों के लिए जिनका दिमाग कम चलता है, तो वो मैं कराता नहीं हूं, वैसे एनसीईआरटी में वही डेरिवेशन दे रखी है, ये है उन बच्चों के लिए जिसका दिमाग थोड़ा ग्रो करता है, जो सोच सकता है चीजों को, ठीक है? तो आप लोगों का लेवल क्या, आपने डिसाइड कर लो, बाकी मैं करा दूंगा उसको अगली क्लास में, लेकिन अभी ये स्लो में चल रहा है तो ये चलते हैं। अब देखिए ये हो गया, अच्छा
अब मैंने क्या कहा कि मैंने कहा मेरा आर वन जो है वो आर टू से छोटी है, लेकिन समझ गया, आर वन आर टू से छोटी, कितनी छोटी है? तो अपने पास तरीका है कि आर वन से छोटी वाली लाइन से आर टू की तरफ क्या खींच दो, परपेंडिकुलर खींच दो। ठीक है चलो हम कर देते हैं काम। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन कर, ठीक है ये लाइन खींच दी। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये इतना पार्ट इतने पार्ट के बराबर हो गया लगभग, है ना, और ये क्या है एक्स्ट्रा पार्ट है ना। अब ली देते हैं हमसे एक्स्ट्रा है तो कितना एक्स्ट्रा होगा, तो दोनों की लंबाई के डिफरेंस के बराबर होगा ये, तो दोनों एक की लंबाई क्या है आर टू, दूसरे की लंबाई क्या है, तो ये डिफरेंस कितना होगा आर टू माइनस आर वन, क्या होगा आर टू माइनस आर वन के बराबर, ये डिफरेंस मतलब दोनों लंबाई के डिफरेंस के बराबर है। समझ गया, अच्छा ये हो गया, समझ गया। मैंने आपको ये भी बोल दिया कि ये तीनों लाइनें क्या है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों आपस में क्या है पैरेलल है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा थीटा ही होगा। ठीक है आर वन आर टू के बीच का, चलो अभी कौन बड़े कौन आर वन नहीं, अच्छा ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा थीटा, क्यों यहां पे रीजन लिख देते हैं, क्योंकि तो आर वन आर टू के क्या है पैरेलल है आर, तो ये कौन सा एंगल है, ये आर कितना एंगल मारा इस लाइन के साथ थीटा, तो ये भी अगर इसके ये दोनों पैरेलल है तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा। ये बात सुन नहीं गई किसको, किसको सुनने आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए भैया, अगर ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, समझ गया ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि आर वन क्या है पैरेलल है आर टू के और आर के तीनों पैरेलल, इसलिए ये भी क्या होगा थीटा ही होगा, इसका रीजन ही लिखा होगा बिकॉज। आगे भी अरे यार बिकॉज ये पैरेलल है, ठीक है इसलिए ये भी क्या हो गया थीटा हो गया, बिकॉज आर वन आर टू आर पैरेलल है इसलिए ये एंगल थीटा था अपना, तो ये भी क्या हो गया थीटा हो गया। अब अपने में ट्रायंगल दिख रहा है ए बी और इसको नाम दे दिया सी, ए बी, अच्छा ये आपने पता आपको ये लाइन क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बताया था मैंने, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है सब, ठीक है ये डायग्राम बता देता आपको, मेंशन कर देता कि हाँ भाई ये कर रखा है मैंने, ठीक है तो अब हो गया भैया। चलो नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल क्या ट्राइंगल ए बी या ए सी बी, इस ये ए सी बी ट्राइंगल जो है ए सी बी जो ट्राइंगल है आपका वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है तो अगर मैं बात करूं इसकी तो साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ओ सॉरी ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, अरे भाई हाइपोटेन्यूज सॉरी, अरे वो तो पी से बी बन जाता है ना, हाँ सही बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है आर टू माइनस आर वन, और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, तो ये है टू एल, ये क्या होता है ये डाइपोल का साइज है ना, और डाइपोल का साइज क्या होता है टू एल होता है, कई बच्चे बोले टू एल कैसे होता, तो ओ से इस चार्ज की दूरी क्या होती है एल, इस चार्ज की भी दूरी क्या होगी एल, तो क्या होगा डाइपोल का साइज टू एल, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी आर टू माइनस आर वन की वैल्यू क्या होगी टू एल कॉस थीटा। अब खत्म हो चुका है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, अगर मैं तीनों इक्वेशन को देखूं
तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी को क्या लिखेंगे, पी इक्वल्स टू में के क्यू आर टू माइनस आर वन की वैल्यू क्या रखी है, 12 कॉस थीटा लिखे अपॉन में नीचे क्या आएगा, आर वन आर टू, आर वन आर टू किसके बराबर है, आर के। तो यहां पर क्या होगा, आर वन की वैल्यू भी आर और आर टू की वैल्यू आर, तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला के। अच्छा क्यू इंटू में 12 क्या होता है, तभी बताया था डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है क्यू इंटू में 12 में हमने पी, पीछे क्या आ गया कॉस थीटा और नीचे क्या हुआ आर आर, आर वन की वैल्यू भी आर, आर टू तो क्या हुआ आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर आप तो डाइपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा इसके स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस, स्पेशल केस में डाइपोल आपका माइनस क्यू रखा प्लस क्यू रखा और आपको पता डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है और आप इस लाइन पे निकाल रहे थे आर आपका यहाँ पे, आप चाहते हो कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकल आए, इस बार पी पॉइंट है कहाँ पे आपको पता है, इक्विटोरियल पॉइंट है क्या इस बार ही, अभी आपने पीछे क्या निकालता है इक्विटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है ठीक है, क्योंकि तो आपको पता है आर ऊपर है डाइपोल मोमेंट आर वाई के लॉन्ग है, आर किसके लॉन्ग है और डाइपोल मोमेंट किसके लॉन्ग है एक्स के लॉन्ग, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, क्या होता है 90 डिग्री, तो पोटेंशियल निकालो भैया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कॉस में क्या होगा के पी कॉस क्या हो गया यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि आपको बता दूं डाइपोल मोमेंट और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर है, ये जो थीटा है ना ये थीटा किसके बीच का एंगल है बताया ना, ये किसके बीच का आर और पी के बीच का, तो आर किसके लॉन्ग है वाई के लॉन्ग और पी किसके लॉन्ग है एक्स के लॉन्ग, तो आर और पी के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, कॉस 90 यहाँ पर लिखो ठीक है, कॉस 90 अपॉन में आर स्क्वायर, तो क्या वो कॉस 90 जीरो होता तो क्या आ गया जीरो, मतलब इस फॉर्मूले से अपने को इक्विटोरियल पॉइंट पर भी पोटेंशियल मिल जाएगा और जिसकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है ठीक है। अच्छा केस नंबर थर्ड, केस टू, इफ आपकी डाइपोल मोमेंट ऐसी हो मतलब माइनस क्यू चार्ज ये रहा प्लस क्यू चार्ज ये और आपका पी पॉइंट यहाँ पर मतलब उसकी रेडियस क्या है ऐसी, तो हम देख रहे हैं सेंटर से जो दूरी है उस पॉइंट की वो भी एक्स के लॉन्ग है, सेंटर से ये डाइपोल का सेंटर है, ये डाइपोल का सेंटर से ये डाइपोल का, अच्छी जी ये डाइपोल का सेंटर है और सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कितनी है आर, तो अगर मैं बोलूं जो दूरी है वो किसके लॉन्ग है आर डिस्टेंस है उस पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से, वो किसके लॉन्ग है ये दूरी किसके लॉन्ग है एक्स के लॉन्ग है भाई एक्स के पैरेलल ना, और डाइपोल मोमेंट किसके लॉन्ग है वो भी एक्स के लॉन्ग है, यानी अगर दोनों एक्स के लॉन्ग है तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा जीरो होगा, क्या बनेगा यहां पर आर क्या है पी के पैरेलल है, सो इनके बीच में थीटा क्या बनने वाला है जीरो, सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स में इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा इस डाइपोल के से, तो क्या होगा के पी कॉस जीरो रखना है, क्या रखना है आर स्क्वायर कॉस जीरो वन होता तो क्या गया के पी अपॉन में एक्सियल पे ही निकला था, एक्सियल पर पोटेंशियल आपका ये निकला ठीक है, फिर आते रहिए डाइपोल के ऊपर जो पोटेंशियल का था हमने निकाल दिया, पहले एक्सियल निकाला फिर इक्विटोरियल निकाला फिर एट एनी पॉइंट निकाला, एट एनी पॉइंट वही सबके लिए अप्लाई होता है, यहाँ पे ध्यान रखना कॉस के साथ जो एंगल होता है वो किसके बीच का एंगल होता है आर और पी, क्या आर क्या है डाइपोल के सेंटर से पॉइंट की दूरी और पी क्या है डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट, जिसको पी से लिखते हैं जिसकी वैल्यू क्यू इनटू में 2L होती है, क्यू क्या है चार डाइपोल का चार्ज और 2L क्या उसका साइज, एक्चुअली क्वेश्चन को अगर हम पहले डायरेक्ट एनी पॉइंट से करेंगे तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल ठीक है, खैर ये टॉपिक करा रखा है मैंने लेकिन अभी डाइपोल कराऊं तो डाइपोल के सारे टॉपिक कराऊं, क्योंकि तो इसके बाद पोटेंशियल, अभी हमने पोटेंशियल निकाल दिया पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल भी निकालना है ठीक है, तो फिर उसके बाद डाइपोल क्या होगा इसके बाद डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके फिनिश कर देंगे डाइपोल के टॉपिक को चैप्टर नंबर सेकंड से ठीक है, तो ये डाइपोल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको याद है
ये कहां से निकलती है? प्लस से। और कहां जाती है? माइनस। अच्छा डाइपोल देखिए माइनस की तरफ जा रही है, तो डाइपोल का कौन सा चार्ज इधर होगा? सॉरी प्लस वाला। क्या होगा? डाइपोल का प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? माइनस की तरफ। डाइपोल का प्लस चार्ज भी कहां जाएगा? माइनस की तरफ। तो इसीलिए डाइपोल का प्लस चार्ज कहां जाएगा? जहां जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं खुद भी जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? माइनस की तरफ। तो डाइपोल का जो चार्ज है प्लस वाला वो भी कहां जाएगा? माइनस की तरफ। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है? प्लस से। तो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? माइनस की तरफ। ये ध्यान रखना, डाइपोल का प्लस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? प्लस की तरफ। तो डाइपोल का प्लस वाला चार्ज भी कहां जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा, यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। प्लस वाले चार्ज पे, डाइपोल के प्लस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। प्लस चार्ज कहां जाएगा? माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? माइनस की तरफ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस चार्ज की बात करूं, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हो, कहां जाते हैं? माइनस की तरफ। यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वहीं पर तो डाइपोल का प्लस चार्ज भी आएगा, और डाइपोल का प्लस चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू। क्या है? तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। क्या लगेगा? क्योंकि ये ई में रखा हुआ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो एक कूलम पे लगने वाला फोर्स, मैंने आपको बताया था ई क्या होता है, फोर्स एक कूलम पे जो लगेगी, तो क्यू कूलम पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है? प्लस से। और अगर मैं वहां पे माइनस चार्ज रख दूं तो माइनस चार्ज प्लस की तरफ भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर आ रही है, लेकिन माइनस चार्ज कहां जाएगा? प्लस के अंदर जाएगा। इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज इधर की तरफ भागेगा। कितने फोर्स है? क्यू फोर्स। ठीक है। अच्छा दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? टू एल। अच्छा डाइपोल मोमेंट क्या होता है? माइनस से प्लस होता है। क्या होता है? माइनस से प्लस होता है। ये डाइपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर ही, डाइपोल मोमेंट ऊपर है, तो ये उनके बीच का एंगल है। ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से